हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईबैक्स स्टडी में। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ ने अपना कैलेंडर निकाला हुआ है। आयोग द्वारा जो मार्च 2022 तक की परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उनका पूरा कार्यक्रम यहां दिया गया है। और देखिए पीईटी के अंतर्गत जो भी वैकेंसीज आने वाली हैं उनका भी ब्यौरा यहां पर दिया गया है। तो चलिए विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर देखिए विज्ञापन संख्या इसमें दिया हुआ है और यहाँ परीक्षा का परिणाम क्या है, विज्ञापित पद और प्रस्तावित तिथि। तो यहाँ पर पहले देखिए 2021 में जो परीक्षा होने वाली है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021, जिसको नाम दिया गया है पीईटी। तो देखिए ये अर्हकारी परीक्षा है, यानी अनिवार्य रूप से है। इसको भरने के बाद ही आप कई एग्जाम जो वैकेंसी आगे UPSSC के निकलने वाले हैं उस पर आप एलिजिबल होंगे। तो देखिए इसकी जो प्रस्तावित तिथि है यह 20 अगस्त 2021 है। इसके अलावा 2018 की जो है 026 परीक्षा / 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की संयुक्त संवर्ग की परीक्षा है, ये सितंबर 2021 में प्रस्तावित है। इसमें विज्ञापित पद है 16। देखिए मैं आपको पहले पीटी के बारे में केवल जानकारी दे दूं। पीटी की जब आप परीक्षा निकाल लेंगे तो पीटी की परीक्षा के बाद यहाँ पर कौन कौन से पद आने वाले हैं, तो देखिए पीटी की परीक्षा के बाद प्रारंभिक पात्रता परीक्षा 2021 के परिणाम के उपरांत प्रकाशित विज्ञापन पीटी 2021 के अंतर्गत की मुख्य परीक्षा राजस्व लेखपाल, ठीक है। तो कौन से पद है, राजस्व लेखपाल के पद हैं और ये 7,882 पद आने वाले हैं जो कि नवंबर 2021 में आ सकते हैं, लगभग प्रस्तावित हैं। इसके अलावा पीटी के अंतर्गत देखिए 9,212 पद हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद, यानी स्वास्थ्य कर्मचारी जो भी हैं स्वास्थ्य संबंधित जितने भी आने वाले हैं लगभग 9,212 पद हैं और ये भी कब आ सकते हैं, नवंबर 2021 तक में। इसके अलावा देखिए प्रारंभिक पात्रता परीक्षा जो पीटी के अंतर्गत आएंगे ये आएंगे कृषि प्रावधिक गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पद। तो कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक के अंतर्गत लगभग 2,500 पद आने वाले हैं और इनका एग्ज़ाम लगभग हो सकता है फरवरी 2022 में। इनकी मुख्य परीक्षा लगभग प्रस्तावित है फरवरी 2022 तक में। इसके अलावा प्रारंभिक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत कनिष्क सहायक, आशुलिपिक व उसके समान योग्यता रखने वाले अन्य पद जो भी आएंगे लगभग 2,000 पद हैं और इनका आवेदन हो सकता है मार्च 2022 तक में। तो मार्च 2022 तक इनकी मुख्य परीक्षा होने का हो सकता है। इसके अलावा और भी हैं प्रयोगशाला प्रावधिक, एक्सरे प्रावधिक व समान योग्यता वाले अन्य पद जो होंगे ये मेडिकल से रिलेटेड हैं, तो इसमें लगभग 1200 पद आएंगे और इनका भी मार्च 2022 तक प्रस्तावित है। तो ये चार अभी तक आयोग ने दे रखा है यहाँ पर जो कि एग्जाम पीटी के बाद आने वाले हैं। इसके अलावा देखिए मार्च 2022 में प्रस्तावित किया इन्होंने बीडीओ की जो परीक्षा थी जो हुई थी 2018 की कैंसिल हो गई है, उस परीक्षा को पुनर्परीक्षा कराने का इन्होंने दिया हुआ जिसमें 1953 पद थे। तो ये मार्च 2022 तक हो सकती है। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो 2008 का राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद का है ये मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 सितंबर 2021 में प्रस्तावित है। सम्मिलित अवर अभियंता संगणक एवं फोरमैन प्रतियोगिता परीक्षा ये अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है, 1477 पद हैं। इसके अलावा 2019 की सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा है 19 की ये अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है। तो और सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक शोध अधिकारी की प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 दिसंबर 2021 में प्रस्तावित है। वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक की परीक्षा होने वाली है 2019 वाली, ये दिसंबर 2021 में है। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की 2019 वाली है वैकेंसी, उसका जनवरी 2022 में प्रस्तावित है। सम्मिलित अवर अभियंता एवं उप वास्तुविद प्रतियोगिता परीक्षा ये है जनवरी 2022 में, ये 2016 की वैकेंसी है। तो ये सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि आने वाले में, तो अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और ज़ोर शोर से लगे रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे जो भी न्यूज आएगी या भी पढ़ाई करना है आपको, तैयारी करना है, तो हमारे चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट से अपनी आवश्यकता अनुसार आप स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।